नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा उल्टा है या सीधा है, क्या सिम्टम्स होते हैं, या समय रहते कैसे पता लगाएं कि हमारा बच्चा नीचे की तरफ खिसक चुका है। आज मैं दोनों चीज़ें शेयर करूंगी। अगर बच्चा आपका उल्टा है तो कैसे सिम्टम होते हैं, अगर बच्चा सीधा हो चुका है मतलब कि सर नीचे की तरफ हो चुका है, योनि की तरफ हो चुका है, तो आपको कैसा फील होता है। मेरे दोनों केसेस हो चुके हैं। पहली प्रेगनेंसी में बच्चा ब्रिज पोजीशन में था और सेकंड प्रेगनेंसी में बच्चा सेफलिक पोजीशन में था। क्लियर कर देती हूँ, सेफलिक पोजीशन होती है जब बच्चा नीचे की तरफ खिसक चुका होता है या नीचे की तरफ उसका मुंह होता है, मतलब कि योनि की तरफ उसका मुंह होता है। तो ब्रिज पोजीशन होती है बच्चा उल्टा होता है, उल्टा यानी कि बच्चे का सर ब्रेस्ट की तरफ होता है आपकी और बच्चे के पैर नीचे योनि की तरफ होते हैं। सेफलिक पोजीशन और ब्रिज पोजीशन, बाकी पोजीशन भी होती हैं बट बहुत कम चांसेस होते हैं उनके ऊपर। मैं अलग से वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मेनली यहाँ पर मैं लास्ट डिलीवरी टाइम के लिए, प्रेगनेंसी के लिए वीडियो शेयर कर रही हूँ कि बच्चा उल्टा और सीधा होने पर आपको 9वें महीने में कैसा फील होता है। 9वें महीने में भी अगर आपका बच्चा सीधा है, सीधा यानी कि मतलब बच्चे का मुंह जो है वो नीचे की तरफ है, तो आपको ऊपर से जो आपका टमी एरिया है ब्रेस्ट के नीचे, जस्ट ब्रेस्ट के नीचे बहुत आपको खाली खाली फील होगा। कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती थी आपको वो नहीं होगी अभी, और आपको खाना बहुत अच्छे से पचेगा, डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगा। जैसे पहले अगर आपको खाना नहीं पचता था या आपको बहुत भरा भरा फील होता था, खाना आपसे खाया नहीं जाता था, ज़्यादा क्वांटिटी की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल जो एक बिफोर प्रेगनेंसी आप नॉर्मल डाइट लेते थे उतना खाना आपसे खाया नहीं जाता था, इस कंडीशन में समझ लीजिए कि आपका बच्चा ब्रीड पोजिशन में था। बट अगर रेगुलर खाना आप खा पा रहे हो नॉर्मल पहले के मुकाबले, 8वें महीने में जैसे आप कम खाना खा पा रहे थे और 9वें महीने में आते आते आपने बहुत अच्छे से डाइट लेना स्टार्ट कर दिया है, तो समझ लीजिए आपका बच्चा नीचे की तरफ खिसक चुका है। बच्चा उल्टा होता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि बच्चा ब्रिज पोजिशन में है तो क्या सिम्टम्स होंगे। बच्चा अगर उल्टा होगा तो आपसे बैठा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे का वजन अभी काफ़ी बढ़ चुका होता है। एक नॉर्मल बच्चे का वजन समथिंग 2.5 kg के समथिंग आपका बच्चा होगा अगर हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है तो। नॉर्मल जो 2.5 kg का बच्चा होता है वो काफ़ी हेल्दी माना जाता है अगर 9वें महीने में है तो। आप अपनी प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं कि आपका बच्चा कितने kg का है या कितना वेट है। अगर आपका बच्चा उल्टा है तो आपके ब्रेस्ट एरिया पे आपको लंग्स में बहुत पेन फील होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत चुभ रहा है बेबी, बहुत आपसे बैठा नहीं जाएगा। अगर आप बैठोगे तो हमेशा पीछे सपोर्ट लेकर आप बैठ पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बैठ पाओगे। आपको हिप एरिया के पास आपको हमेशा तकिया लगाना पड़ेगा, इसके अलावा आप नहीं बैठ सकते हो प्लेन सतह पर, आपको हमेशा पीछे कुछ ना कुछ टेक लगाने के लिए चाहिए ही चाहिए अगर बच्चा ब्रिज पोजिशन में है तो। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी, खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा, डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, हमेशा आपका पेट भरा रहेगा, ऊपर की साइड आपको बहुत हैवी फील होगा, लंग्स में पेन होगा। ये ब्रिज पोजीशन के सिम्टम्स हैं जो कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुए थे। बट फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि हमें नॉर्मल लगती हैं सारी चीज़ें, कि प्रेगनेंसी में तो ऐसा सब कुछ होता ही है। बट अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ लग रही हैं अपनी प्रेगनेंसी में तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि मुझे ऐसा फील हो रहा है या ऐसा फील हो रहा है। एक बार कंसल्ट कर लोगे, अगर वो चीज़ें सही भी होंगी तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि मेरी प्रेगनेंसी सही चल रही है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगी कि आपकी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम है और मैं इसे ऐसे क्योर कर सकती हूँ। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो आपको समझ आया सेफलिक पोजीशन एंड ब्रिज पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आपको 9 मंथ्स में फील होता है, जिससे आप अपने आप से पता लगा सकते हो कि कैसे बच्चा उल्टा या सीधा रहता है जब आपको ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, समझ आई होगी। समझ आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब पर ऑल पर क्लिक ज़रूर से कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।